तो हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास आई होप आई एम ऑडिबल एंड एवरी थिंग इज फाइन सो दिस इज़ आर डेली न्यूज़ एनालिसिस इन विच वी आर कवरिंग द इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स एडिटोरियल्स एट्सेट्रा सो लेट्स गेट स्टार्टेड एन्वायरमेंट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं फाइन तो एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसपे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा उट देशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सी बी डी के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट है, 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 है और कार्बन मार्केट्स जो इनको लेके चर्चा है और ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल से जुड़ा हुआ है तो कार्बन मार्केट्स क्या हैं कैसे फंक्शन कर रहे हैं ठीक है क्या इश्यू है कार्बन मार्केट्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेके है ना इसकी सक्सेस को लेकर वो देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है मेन्स के परस्पेक्टिव से और एनर्जी कंजर्वेशन बिल के बारे में चर्चा करेंगे एक अच्छा आर्टिकल है इंडिया के रोल को बेसिकली वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है अभी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में ग्लोबल ऑर्डर में अपने रोल को देखता है तो शशि थरूर जी का आर्टिकल है काफ़ी रेलिवेंट है अच्छा आर्टिकल है ग्लोबल मिनिमम टैक्स की चर्चा करें ग्लोबल मिनिमम टैक्स के ऊपर अगर आप देखोगे लास्ट ईयर से चर्चा हो रही है ना ओ ने एक प्लान फाइनल किया था और अभी इन्होंने कंसेंसस बन गई है कि हाँ हम जो ग्लोबल लेवल पे कॉरपोरेट टैक्स रेट है उसको इस तरह से मिनिमम 15 परसेंट तक रखेंगे और ग्रीन इकोनॉमी है ना ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सो लेट्स बिगिन द क्लास ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड मॉर्निंग देखो मोटिवेशन तो आज नहीं है वी हैव दिस अगर मोटिवेशन की चर्चा करें दिस इज अबाउट कि आप खुद को कैसे कॉन्स्टेंटली पुश करते हो है ना ठीक है मोटिवेशन इंस्पिरेशन वो अपनी जगह पे लेकिन जब तक आप अंदर से खुद को पुश नहीं करोगे है ना वो मोटिवेशन नहीं लेके आओगे अंदर से एक इंस्पिरेशन नहीं आएगी कि नहीं मुझे ये काम करना ही है आप सोच के देखिए बचपन के अंदर जब होता था है ना कि आपको कहीं छुट्टियों में जाना है दिवाली की छुट्टियाँ हैं और आप अपने आ, कहीं पर घूमने जाएंगे या समथिंग लाइक दोस्तों आपको इतना सारा होमवर्क मिलता था ठीक है याद आ रहा है मुझे तो यही याद आता है स्कूल डेज से बहुत सारा होमवर्क होता था और हम उसको मतलब दो दिन तीन दिन में दिन रात लग के फाइन उसको पूरा कर लेते सोने जा रहे हैं तो ये फ़िक्स होता था कि नहीं पाँच बजे उठना है तो पाँच पाँच बजे उठने की बजाय साढ़े चार बजे आँख खुलती थी अपने आप क्लियर और फिर उसको फटाफट करके और फिर हमें वहाँ तो वो एक अंदर से जिसे हम कहते हैं ना लगन वाली बात है एक अंदर से कमिटमेंट होना चाहिए ऐसा नहीं कि बस घिस रहे हैं करना है तो फिर वो जो रिजल्ट हैं वो नहीं आ पाते हैं तो इस तरह से थोड़ी सी आप अंदर से मोटिवेशन लगन लेके आओगे तो फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है ना उसको करने में इंटरेस्ट आता है करने में मज़ा आता है और करंट अफेयर ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें सिलेक्शन uh, होने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा फाइन सो दिस इज़ समथिंग यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट लाइकिंग कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है है ना जो चीज़ ज़रूरी है ना उसको पसंद करना आप स्टार्ट करिए अदरवाइज़ क्या होगा कि अननेसेसरी का फ्रिक्शन क्रिएट होगा जो चीज बड़ी आसानी से हो सकती है उसके लिए क्यों इतना जोर लगाए क्लियर चलिए शुरू करेंगे दिस इज इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन माय नेम राहुल ये जो हमारा सेशन है 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 डेली डेली सुबह होता ठीक है। है, इसके अंदर हम वी हैव दिस इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर हिंदू इंडियन एक्सप्रेस इनके न्यूज आर्टिकल्स एडिटोरियल सब यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सेशन के पीडीएफ प्राप्त हो जाते हैं और फ्री स्पेशल क्लास आपकी अभी यहाँ पे होती है ना ये जो लिंक है इस पर फ्री स्पेशल क्लास मिलती है तो इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह सर की ये बुक है इसको हम कवर कर रहे हैं ये क्लास अभी आपकी दस बजे शिफ्ट हो गई है तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्लास बंद हो गई क्या बंद नहीं हुई है ये रिज्यूम हमने किया है टाइमिंग इसका दस बजे शिफ्ट हो गया है अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लास ये अवेलेबल होगी लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे लिंक शेयर हो जाएगा अन अकेडमी की तरफ से मासिव डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं यू कैन डेफिनेटली गेट बेनिफिट ऑफ दीज डिस्काउंट्स एंड बी द पार्ट ऑफ अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म जो आपको देता है वन पॉइंट हैोलूशन फॉर योर कम्पलीट प्रिपरेशन यहाँ तीन महीने का फ्री ऑफर भी दिया जा रहा है मतलब जैसे अगर आप डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो तीन महीने फ्री है मतलब आपका पूरा दो हजार चौबीस वाले जो बच्चे हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड हो गई सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके हैं एनवायरमेंट पे आते हैं कॉफ फिफ्टीन समिट अडॉप्ट हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील इतनी बड़ी ये डील है इसको माना जा रहा है और इसको नाम दिया गया है कन्मिंग मोन्ट्रियाल एग्रीमेंट कैनेडा में ये साइन हुई है है ना इसका थोड़ा सा हम बेस समझें इस डील पे आए उससे पहले आ, कुछ बेसिक चीज़ें आप जा, जान लीजिए कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सी है बायोडाइवर्सिटी जैसा नाम से पता चल रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके प्रोटेक्शन की बात हो रही है है ना हमारे जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं एनिमल्स हैं तो हर तरह के लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसको हम बचा सके उसको हम प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि आजकल हो क्या रहा है देखिए एक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आई थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी ये हमने डिस्कस भी किया था क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है है ना बड़ा सा बनाएगा क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट सा दिखाएगा बड़ा लंबा चौड़ा बनाएगा कि देखो इसमें इतने परसेंट ये हुआ ये हुआ और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में ये, ये कहा गया फिर लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है क्यों इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपको दे रहा है ताकि आप उस क्वेश्चन को देख के थोड़ा ऐसे हो है ना कि यार पता नहीं क्या फैक्ट पूछा है क्योंकि एग्जाम में आप प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी प्रेशर के अंदर हो तो उसमें घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को करने की आदत डाल लीजिए तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड वाइड फंड डब्ल्यू के द्वारा रिलीज की जाती है और इस ये जो रिपोर्ट आई थी इस साल रिपोर्ट आई थी हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या थी आप देखोगे कि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है दैट है ना ऑन एन एवरेज सिंस 1970 मतलब पिछले 50 सालों में हम 70% परसेंट तक ड्रॉप हुआ है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 70% परसेंट ड्रॉप कैन यू बिलीव इट अगर यही चीज़ चलती रही तो फिर क्या कहाँ पे हम एग्जिस्ट करेंगे कैसे हम सरवाइव करेंगे हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है ना हमें हमें क्या फ़र्क पड़ता है जानवर ही तो हैंग्जिस्ट हो रहे हैं बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब स्पीशीज़ यहाँ पर मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं ठीक है तो आने वाले टाइम में ह्यूमन सर्वाइवल पे भी क्वेश्चन होगा ये उसी तरह से है कि एक बोट है है ना एक नाव है समुन्द्र के अंदर उस नाव के अंदर आप जा रहे हो कुछ लोग उस नाव में यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हैं या शिप मान लीजिए बड़ा सा शिप है अगर उसके अंदर यहाँ पे होल है शिप के अंदर इस इस वाले पार्ट में आगे वाले पार्ट में होल है और यहाँ पे बैठे जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं पानी को निकाल रहे हैं यहाँ जो बैठे लोग हैं वो आराम से बैठे हैं हमें क्या फर्क पड़ता है होल तो उस वाले पार्ट में है ना हमें क्या फर्क पड़ेगा सो so, ये ये कहना ये समझना कि हमें क्या फर्क पड़ेगा ये इसी तरह से इस शिप वाले एग्जाम्पल की तरह से कि है ना शिप के एक पार्ट में होल है तो पूरा शिप ही डूबेगा ना देर सदेर उसी तरीके से इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको एक तरह से लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है और ये कहती है कि ये कॉमन कंसर्न है ह्यूमन काइंड का ऐसा नहीं है कि किसी कि एक देश के लिए इस तरीके की बात है एग्रीमेंट कवर ऑल द इकोसिस्टम्स है ना ऑल द स्पीशीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज इन सबको ये इस तरीके से कवर करता तीन है तीन मेन गोल हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी से जो होने वाले बेनिफिट्स हैं उनको सस्टेनेबली यूज़ किया जा सके है ना और सबके साथ शेयर किया जा सके क्लियर सस्टेनेबल यूज का मतलब हो गया ऐसा नहीं कि जो भी है जंगल है सारा काट के अभी ले लो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं है सो दिस इज दरऑल आइडिया अबाउट यूज। तो ये आपको समझ आया कन्वेंशन ऑन बायोडावर्सिटी का थोड़ा सा बेसिक नाउ यू डेफिनेटली मेक ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है मतलब एक तरह की मीटिंग uh, होती है जिसमें जितने भी मेम्बर्स हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं तो ये एग्री कर गए हैं उन्हें न्यू प्लान न्यू प्लान टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द नेचर विद न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और इसको इन्होंने कन्मिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट कहा है यह क्या कर रहा है कन्मिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट ये सेव करेगा लैंड ओशन और स्पीसीज फ्रॉम पॉल्यूशन डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है और कुछ कुछ अगर माना जा रहा है इसकी सक्सेस को तो लिंक किया जा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं जो पेरिस एग्रीमेंट था 2015 वाला जिसमें हमने कहा था कि ग्लो जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे इन कंपैरिजन टू प्री इंडस्ट्रियल एरा मतलब सत्रह में जो टेम्परेचर था उसके कंपेरिजन में तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एक आ, आ, जो साइन हुआ है गोल है ना वो है थर्टी बाई थर्टी गोल इसको रट लेना अच्छे से बहुत बहुत ज़्यादा चांस है स्टेट पीसीएस में तो हंड्रेड परसेंट ही पूछेगा यूपीएससी थोड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है सो यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन ऑन दिस है ना तो क्या है थर्टी बाई थर्टी ये गोल है द कॉर्नर स्टोर ऑफ द एग्रीमेंट कॉर्नर स्टोन ऑफ द एग्रीमेंट इज सो कॉल्ड थर्टी बाई थर्टी गोल और ये प्लीज क्या कर रही है प्रोटेक्ट थर्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड द सीज बाई ट्वेंटी थर्टी है ना दो हजार तीस तक हमें वर्ल्ड के जो भी लैंड एरिया या ओशंस हैं उनको थर्टी परसेंट तक उन एरियाज को हमें प्रोटेक्ट करना है क्लियर हो गया इंडिजीनियस जो राइट्स हैं उनको एड्रेस किया गया है ठीक है कि ये जो थर्टी बाई थर्टी प्लेज है हमारी इसके माध्यम से जो भी इंडिजीनियस लोग हैं उनके जो राइट हैं कि वो अपनी जो लैंड है उसको यूज़ कर सकें क्योंकि वो तो हमेशा से वहाँ से रह रहे हैं सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं तो उनके भी राइट्स होंगे तो उनके प्रोटेक्शन की भी यहाँ पे बात की गई है कि उनको ऐसा नहीं है प्रोटेक्शन करने के लिए वो वहाँ रह रहे हैं उनको आप निकाल दो कि आप यहाँ से जाओ हम प्रोटेक्शन ये कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है उनके राइट्स है उनको भी एक्नोलेज किया गया है स्पेशली आप देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्ट में ट्राइबल पीपल एंड ऑल तो उनके राइट्स को एक्नोलेज इसमें किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे बात अटकी हुई थी ये है फिनेंस की है ना फाइनेंस कौन करेगा पैसा कौन देगा इस प्रोटेक्शन के लिए आपने बोल तो दिया कि यहाँ ये प्रोटेक्शन करने की जरूरत है क्लियर और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो भी लॉस हुआ है उसको रिवर्स करने की जरूरत है लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा तो ये कह रहे हैं कि पैसा जो है जनरली हम मान रहे हैं कि जो रिच कंट्रीज हैं वो देंगे और 2025 तक 20 बिलियन डॉलर एंड बाय 2030 दिस विल बी 30 बिलियन डॉलर पर ईयर तो रिच कंट्रीज पे ये जिम्मेदारी डाली गई है और उसके बाद इसको फाइनेंस को डबल करने की बात कर रहे हैं क्लियर तो इस तरीके से इन्होंने ये मैकेनिज्म को स्टार्ट किया है और जो इंपॉर्टेंट इसमें प्रपोज्ड चीजें हैं वो ये है कि आप रिड्यूस कर रहे हैं ओवरऑल रिस्क ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हाईली हर्जार्डस केमिकल्स ये जो केमिकल्स वगैरह इस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से अगेन बायोडाइवर्सिटी को थ्रीट है फाइन तो ये कह रहे हैं कि इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं स्पेशली अगर आधा कर दें और इसी तरह से एक बात हुई है कि डिस्ट्रेक्टिव जो फार्मिंग सब्सिडीज़ है अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है है ना ये क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रेक्टिव फार्मिंग सब्सिडीज़ हैं ऐसी फार्मिंग सब्सिडीज़ जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रही है उनको डेफिनेटली हमें क्या करना होगा कम करना होगा तो इंडिया के कॉन्टेक्स में डेफिनेटली बात होगी इंडिया इसको कैसे देखता है ये देखने वाली बात है इंडिया ने कहा कोई कि इसके अंदर कोई क्वांटिफिएबल टारगेट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ फार्मिंग पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करें क्लियर रादर देन इम्पोजिंग कि हाँ आपको ऐसा ही करना है टेकलिंग द इन्वेजिव स्पीशीज इन्वेजिव स्पीशीज़ आज आप देखोगे सबसे बड़ा खतरा बायोडाइवर्सिटी को क्या है सबसे बड़ा खतरा आप देखेंगे तो हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका भाई घर ही नहीं है रहने के लिए तो फिर क्या है? या फिर इन्वेजिव स्पीशीज हैं इन्वेजिव स्पीशीज मतलब नॉन नेटिव स्पीशीज वो स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर एरिया की नहीं है है ना बाहर से वहां पे इंट्रोड्यूस की गई है फर्स्ट लेकिन नॉन नेटिव होने से इन्वेजिव नहीं हो जाता इन्वेजिव कब होगी ऐसी नॉन नेटिव स्पीशीज जो वहां पे जो लोकल लेवल पे जो अभी आपकी डिफरेंट स्पीशीज हैं है ना हो सकता है प्लांट स्पीशीज हो उनके साथ क्या कर रही है रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन कर रही है उनको एलिमिनेट कर रही है तो जो वहां पे इंडिजीनियस जो भी थी स्पीशीज जो नेटिव स्पीशीज हम कहेंगे जो थी वो तो वहां से गायब हो गई और इन्होंने वहां पे जगह बना ली तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन्वेजिव स्पीशीज वाला इसको भी ये टैकल करता है तो कन्विंग मोन्ट्रियाल एग्रीमेंट है और इसमें ये थर्टी बाय थर्टी जो गोल है इसको आपको ध्यान रखना है और मेजर इसके तीन चार पॉइंट्स ध्यान रखना है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ध्यान रखना है अब इसमें ये एक चीज और ध्यान रखनी है अगर आप देखोगे सी जो है इसके दो प्रोटोकॉल्स हैं है ना सी के अंदर ही दो प्रोटोकॉल्स एड किए गए हैं एक है काटाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी ठीक है और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इंडीड पहले भी पूछ रखे हैं क्वेश्चन इस पर अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो जैसा नाम से पता चल रहा है काटाजिना प्रोटोकॉल जो है इसको सीबीडी के अंतर्गत ही जो है आता है ये और बायो सेफ्टी के रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट है ये आपका प्रोटोकॉल है फाइन तो यह क्या कह रहा है नीड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए तो ये कह रहा है कि जो भी इस तरह के मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या जो भी है उनको आप सेफली ट्रांसफर कर रहे हो है ना एक्सेस एंड ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजीज अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट या कोई प्लांट बनाया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है उस पर ज्यादा कुछ रिसर्च वगैरह नहीं है है ना आपने किसी दूसरे कंट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया अब उस प्लांट के वहाँ पे इंट्रोड्यूस होने के बाद है ना वहाँ पे जो नेटिव स्पीशीज़ है वो वाइप आउट हो रही है एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है तो फिर आप कैसे करोगे तो उस कॉन्टेक्स में काटा जीना प्रोटोकॉल इंश्योर किया गया कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही तरीके से हो ताकि बायोडाइवर्सिटी को खतरा ना हो इसी का दूसरा प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल नागोया प्रोटोकॉल क्या कहेगा कि बायोडाइवर्सिटी से जो होने वाले बेनिफिट हैं उसको शेयर किया जाए सबके साथ ऐसा नहीं कि जिस कंट्री में बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है वहीं तक वो सीमित रहेंगे तो ये फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की यहाँ पे बात कर रही है, है ना अराइजिंग फ्रॉम दर यूटिलाइजेशन ये है नागोया प्रोटोकॉल तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इस पर पूछे जा चुके हैं या आगे भी पूछे जाएंगे कि अच्छा नागोया प्रोटोकॉल है किस बारे में है फाइन या फिर काटा जिना प्रोटोकॉल है किस बारे में ये चीजें आपको ध्यान रखेंगे अब एक और आर्टिकल है हमारे पास दिस इज अबाउट द कार्बन मार्केट्स क्या होते हैं एंड हाउ डू दे ऑपरेट कैसे ऑपरेट करते हैं ये डिबेट क्यों स्टार्ट हो रही है कार्बन मार्केट के बारे में ये डिबेट इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि अभी जो है पार्लियामेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है ना लोकसभा में तो पहले ही हो गया था राज्यसभा में अभी हुआ है दिसंबर में लास्ट वीक में तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल है ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल जो है वी हैव दिस एक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट दो हजार एक ये कानून है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट दो हजार एक का ये एक लेजिस्लेशन है लॉ है यह क्या बात कर रहा है ये इंश्योर करता है कि एनर्जी का जो कंजम्पन है ये किस तरीके से होगा एनर्जी एफिशियंसी हम कैसे लेके आएंगे एनर्जी एफिशियंसी का मतलब आप समझते हैं ना एनर्जी एफिशियंसी वो टाइम याद करिए जब वो सो वाट का एक पीले रंग का बल्लब जलता था ना और बहुत कम रोशनी होती थी फिर ट्यूबलाइट जलाना स्टार्ट हमने किया ट्यूबलाइट्स पॉपुलर हुई और फिर वो धीरे धीरे वो बल्ब तो आज गायब ही हो गए है ना वो सौ वाट का बल्ब तो कोई नहीं जलाता क्यों क्योंकि वो सौ वाट का जो बल्ब होता था वो पीले रंग का अंदर वो तार लगा हुआ है उसमें उस वो सौ वाट में जितनी रोशनी देता था आज पंद्रह वाट का आपका एल उससे ज़्यादा रोशनी हमें दे रहा है ठीक है तो ये क्या हो गया एनर्जी एफिशेंसी हो गई कि कम एनर्जी के अंदर ज़्यादा हमें आउटपुट मिल रहा है समथिंग लाइक दिस तो ये जो एक्ट बनाया गया है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इसका ओवरऑल पर्पज था कि एनर्जी कंजम्पशन को हम कैसे इंश्योर करें और एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं तो इसी कानून में इन्होंने एक चेंज किया है और क्या चेंज किया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार है उसको एम्पावर करता है क्या एम्पावर करता है कि आप जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है ना ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं मतलब कार्बन क्रेडिट जो ट्रेड हो रहा है कार्बन क्रेडिट के रिगार्डिंग जो ट्रेड हो रहा है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो इसके लिए जो ट्रेडिंग के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिएगा वो आप इशू कर सकते हो कैसे होगा कार्बन ट्रेड कार्बन क्रेडिट और ये वाला देखो इसमें क्या होगा अगर आप देखेंगे प्लीज हैव अ लुक कार्बन क्रेडिट जो है एक तरह का ट्रेडेबल परमिट है ना ट्रेडेबल मतलब हो गया कि जिसको खरीद फरोख्त किया जा सकता है खरीदा जा सकता है बेचा जा सकता है ठीक है ये कार्बन क्रेडिट जो है एक तरह का ये परमिट है जिसको अब केंद्र सरकार यहां पे इशू कर सकती है उसने इस के माध्यम से अपने आप को एम्पावर किया कि हम इसको इशू कर सकते तो ये जो परमिट है ये क्या होते हैं आ, एक अगर आप देखोगे कार्बन क्रेडिट दिस इज इक्वल टू वन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द एटमोसफियर तो ये एक क्रेडिट इशू किया जाएगा जब यहां पे देखा जाएगा कि हाँ एटमोस्फियर से वन टन ऑफ सी को रिमूव किया गया है दिस कूड भी इन एनी वे वन टन ऑफ सीओ टू कैसे रिमूव किया है मान लीजिए आपने कोई रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाया सोलर प्रोजेक्ट लगाया है ना तो सोलर प्रोजेक्ट जितनी एनर्जी दे रहा है वही एनर्जी अगर हम कोयला जला के थर्मल पावर प्लांट से लेते है ना तो कितना एमिशन होता और अभी कितना इमिशन कम हुआ है तो इस तरीके से या फिर हमने एफोरेस्टेशन कर दिया पेड़ लगा दिए तो पेड़ भी तो क्या है कार्बन सिंक ही तो है ये वर्ड याद रखिए कार्बन सिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन सिंक का मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट या चीज जो क्या कर रहा है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है तो पेड़ क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं दिन के समय पे तो जनरली अगर आप देखोगे नेट इम्पैक्ट देखोगे पेड़ों का तो हमें क्या मिल रही है ऑक्सीजन मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं तभी तो हम जिंदा है लंग्स हैं ये तो फाइन तो यहाँ पे क्या होगा वन टन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की गई है उसके लिए ये आपका एक ट्रेडेबल परमिट इशू किया जाएगा है ना जिसे हम कार्बन क्रेडिट कह रहे हैं अब इस कार्बन क्रेडिट को मान लीजिए कोई कंपनी है है ना जो चाहती है कि मेरे एमिशन बहुत ज़्यादा हैं मान लीजिए कोई एयरलाइंस है जो देख रही है कि हाँ हमारा एमिशन बहुत ज़्यादा है इस तरीके से तो हम उसको कम करें समथिंग लाइक दें तो वो कार्बन क्रेडिट परचेज करेंगे ताकि वो क्या होगा उतना एमिशन जितना वन टन ऑफ सी ओ टू एक परचेज किया तो इतना वो सेटल हो जाएगा तो इससे क्या होगा इससे बढ़ावा मिलेगा किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा कि हम कार्बन क्रेडिट अगर ट्रेड को बढ़ावा देंगे तो ये क्या कर रहा है एमिशन कम कर रहा है किस चीज़ का सीओ ओ टू टू क्या है सीओ टू क्या है ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस गैस क्या करती है एटमॉस्फेयर में जाके हमारे धरती से ऊपर एटमोसफियर में जाके ऐसा जमा हो जाती है फिर हमें एक तो सन से एनर्जी मिल रही है सन से हीट आ रही है तो अर्थ को जो सन से हीट आती है उसको अर्थ क्या करती है रीरेडिएट वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है लेकिन ये ऊपर बैठे हैं ये इसको ट्रैप कर लेते हैं उस हीट को फिर वापस से अर्थ की तरफ भेजते हैं तो हमारे पास क्या एक तो सूरज से गर्मी आ रही है ठीक है और फिर दूसरा ये भी गर्मी भेज रहे हैं इसलिए ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज की समस्या हो रही है तो इसलिए हम चाह रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड जो एमिशन है इनको कम किया जा सके है ना तो आप यहां पे देखोगे क्या लिखा हुआ है कार्बन मार्केट आर ए टूल फॉर पुटिंग ऑन कार्बन एमिशन अगर आप कार्बन एमिशन कर रहे हो तो उसके ऊपर एक प्राइस हमने कर दिया प्लेस कि आपको अपने एमिशन इतने कम करने हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कार्बन क्रेडिट खरीदो इससे क्या होगा जो भी कंपनी है इंडस्ट्री है वो ओवरऑल देखेगी कि यार हमारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे एमिशन कम हो जाए हमें कम से कम कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़े फाइन तो इस तरीके से यह है और इसलिए आप यहाँ पे देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को ठीक है अंडर दिस एनर्जी कंजर्वेशन बिल इसलिए ये सब चर्चा में है कि कार्बन मार्केट क्या होता है कार्बन क्रेडिट क्या है तो ये कार्बन क्रेडिट आपको पता चल गया अब आप देखोगे वर्तमान में जो कार्बन मार्केट फंक्शन कर रहे हैं दो तरह से एक वॉलंट्री है और एक आपके कंप्लायंस बेस्ड है तो वॉलन्ट्री मार्केट में क्या होगा जो भी एमिटर्स हैं मान लीजिए कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है कोई कंपनी है एनीथिंग है ना कुड बी देयर वो क्या करेंगे कार्बन क्रेडिट अपने खरीदेंगे टू ऑफसेट देयर एमिशन वो देख रहे हैं कि हम हमारे एमिशन ज़्यादा हैं मान लीजिए कोई ऐसी ऑयल रिफाइनरी वाली है तो वो देख रही है हमारे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम इस तरह से छोड़ रहे हैं तो क्यों ना हम कार्बन क्रेडिट खरीद के अपने जो एमिशन है उसको ऑफसेट कर दें कम कर दें ठीक है आ, क्योंकि देखो इससे होगा क्या अगर कार्बन मार्केट को बढ़ावा मिलेगा कार्बन क्रेडिट की खरीद फरोख्त होगी है ना इस तरह से कंपनियों को खरीदने के लिए या तो बोला जाएगा कि आपको कम से कम इतना करना ही पड़ेगा या वो वॉलेंट्री बेसिस पे कर रहे हैं तभी तो ये कार्बन जो क्रेडिट्स हैं वो डेवलप होंगे तभी तो दूसरे जो सेक्टर हैं कोई प्रोजेक्ट लगेंगे जो कि क्या कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं एफॉरेस्टेशन पेड़ लगा रहे हैं उन्हीं को तो कार्बन क्रेडिट मिलेंगे तो ये क्या हो गया एक तरह से आप क्या कर रहे हो कार्बन एमिशन करने के लिए आपने मार्केट को डेवलप किया है अदरवाइज अगर ये कोई कार्बन क्रेडिट खरीदेगा ही नहीं तो फिर क्यों कोई इस तरह से ये प्रोजेक्ट बना के कार्बन क्रेडिट्स को डेवलप करेगा तो उस कॉन्टेक्स में गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे किया है कि हम कार्बन जो क्रेडिट ट्रेडिंग पूरा ये स्कीम है इसको प्रमोट कर रहे हैं वॉलेंट्री मार्केट में आप अपने हिसाब से इस तरह से खरीद लीजिए कंप्लायंस मार्केट है इसके अंदर जो है नेशनल रीजनल लेवल पे रेगुलेशन रहेगा तो ये है पूरा इसका क्रक्स कि कार्बन मार्केट क्या होंगे कैसे ये ऑपरेट करेंगे क्या कार्बन क्रेडिट होते हैं क्यों इसकी जरूरत होती है फाइन। देखो, हो आप देखोगे 2015 के बाद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो एक तरह की इंटरनेशनल ट्रिटी है ग्रीन हाउस गैस एमिशन उसकी ये कॉन्फ्रेंस थी 2015 में वहां पे हमने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है है ना उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2.2 डिग्री इससे ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके इससे ज्यादा इसके कंपैरिज़न में प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिज़न में तो जनरली 1750 जो है यह वाला पीरियड हम लेते हैं कि 1750 के आसपास जो एवरेज टेम्परेचर था उस एवरेज टेम्परेचर से अभी का जो एवरेज टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इस टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वन डिग्री सेल्सियस तो ऑलमोस्ट आ चुका है तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो नहीं होगा और हमें अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा तो ये सब तो हमने यू ट्रिपल सी में बात की अभी कॉप ट्वेंटी इजिप्ट में हुआ था शर्मल अल शरीफ के अंदर हुई थी ना आपकी की कॉप ट्वेंटी उसकी चर्चा तो हमने की ही थी तो ये ये वाला दूसरा है अभी जो हम कर रहे हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं फाइन कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है चलिए और जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल आपका पास हुआ है इसको भी ऐड कर लेना ये तीन चार पॉइंट है क्योंकि हो सकता है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले सो यू विल बी हैविंग फ्यू पॉइंट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन क्या कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कार्बन uh, जो क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है इसको करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में uh, ये पावर होगी कि वो इस तरह से सर्टिफिकेट इशू कर सकती है द एनर्जी कंजर्वेशन कोड विल बी देयर फॉर द बिल्डिंग्स है ना तो ये ऑफिस ऑफिशियल के साथ साथ रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी लागू होगा जहाँ पे भी हंड्रेड किलो वॉट या उसके ऊपर का आपका कनेक्शन है और कंजर्वेशन uh, uh, जो कोड है बिल्डिंग्स के लिए उसमें यह होगा कि कैसे आप जो है uh, ना एनर्जी का वेस्टेज है उसको रोक सकते हो एनर्जी एफिशियसी बढ़ा सकते हो व्हीकल्स और शिप्स के लिए भी एनर्जी कंजर्मशन स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं अच्छी बात है अब ये बिल आपका पास हो गया तो ये ऐसा ही है लेकिन अपोजिशन यहाँ पे कह रही है कि कुछ दिक्कत है इसमें है ना एक तो अगर आप देखोगे इवन आप पी की वेबसाइट पर देखोगे सेम कंसर्न हैव बिन मैंशन तो वो कह रहे हैं कि एक तो मिनिस्ट्री कौन सा आप करोगे यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री कर रही है जबकि दूसरे देशों में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो एक तो राइट काइंड ऑफ मिनिस्ट्री कौन सी होगी दूसरा ये है आपने क्लैरिफाई नहीं किया है मैकेनिज्म है ना ट्रेडिंग का मैकेनिज्म आपने नहीं किया है तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी विस्तार से बता दो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ताकि इंप्लीमेंटेशन बेहतर हो जाएगा फाइन सो दिस दिस इज ऑल अबाउट न्यूज हियर एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जो दूसरा आपका कार्बन क्रेडिट और ये सारा है यूएनडीपी एनडीपी पॉइंट आउट सीरियस कंसर्न अब हाँ एक और देखो ये कार्बन मार्केट और ये तो हमने समझ लिया क्या होता है क्यों जरूरी अब इसके अंदर कंसर्न क्या है या फिर आप देखो कि चैलेंजेस क्या हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या हैं देखो इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंज है वो आ रहा है डबल काउंटिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन क्लियर कि डबल काउंटिंग यहाँ की जा रही है क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स दैट जनरेट क्रेडिट टू पुअर मार्केट ट्रांसपेरेंसी है ना मतलब कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कह रहा है कि देखो हमने इतना एमिशन रिड्यूस कर दिया है लेकिन वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्योंकि वाकई में वो रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है उसको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा तो वो मार्केट को फंक्शनिंग को लेके है ना उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेके इश्यूज हैं कौन ये कह रहा है ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के जो आ, आ, तरफ से स्टेटमेंट आया था वो आया था ग्रीन वॉशिंग को लेके है ना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी समस्या है जो वाकई में इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रही है सर ग्रीन वॉशिंग क्या होता है ग्रीन वॉशिंग का मतलब है आपने देखा होगा ना कोई प्रोडक्ट होता है जिस जिसपे लिखा होता है देखो इस प्रोडक्ट को रिसाइकल किया जाएगा है ना इससे इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट कम होगा क्लियर तो अगर आप वाकई में कर रहे हो तो अच्छी बात है लेकिन ग्रीन वॉशिंग कब है जब आप एक फॉल्स क्लेम झूठा दावा वहां पे कर रहे हो कि देखो हमारे प्रोडक्ट जो है है ना कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर मोर एनवायरमेंटली साउंड कि देखो हमारे जो प्रोडक्ट है ये रिसाइकल होंगे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा है ना जीरो कार्बन फुटप्रिंट है नेट जीरो है इस तरीके से ये वो क्लेम कर रहे हैं तो वो क्लेम कर रहे हैं और वाकई में वो है नहीं तो दिस इज वॉट द ग्रीन वॉशिंग थिंक है ना इसको वो ग्रीन वॉशिंग वो वो वाली वॉशिंग मशीन से मतलब लिंक कर देना अदरवाइज फिर बात बन नहीं पाएगी ठीक है ग्रीन वॉशिंग इस तरह से आपका होता है इंडिड यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं आगे हम लेंगे क्वेश्चन को भी लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन विल बी टेकिंग सम बेस्ड क्वेश्चन एंड मेन्स ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं तो इसको आई से भी लिंक कर दोगे ग्लोबल टैक्स की बात हो रही है तो एक इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से भी जाएगा द मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसिस ये क्या बात हो रही है ये किस मिनिमम टैक्स की बात हो रही है ये न्यूज है क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उसकी तरफ से एग्री किया गया है टू टैक्स ऑफ़ फिफ्टीन परसेंट ऑन बिग बिजनेसेस बिग बिजनेसेस अब इस पूरी न्यूज़ है इसको समझते हैं कहानी के तौर पे और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पूरा व्यू पॉइंट हमें देगा देखो होता क्या है कोई भी कंपनी जो है फंक्शन कर रही है है ना तो जैसे इंडिविजुअल की इनकम पे इनकम टैक्स लगता है वैसे जो कंपनीज हैं उनकी इनकम पे या प्रॉफिट पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है कॉरपोरेशन टैक्स कह लीजिए कंपनी टैक्स कह लीजिए कॉरपोरेट टैक्स कह लीजिए है ना कॉर्पोरेट टैक्स लगता है होता क्या है हर कंट्री के अंदर कॉरपोरेट टैक्स की रेट अलग अलग है क्लियर अलग अलग होती है अब अगर कोई कंपनी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी मान लीजिए कि उसका जो प्रॉफिट है लेटेस से ये कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी फाइन ये मान लीजिए इंडिया के अंदर यहाँ पे इंडिया में वर्क कर रही है किसी भी देश के अंदर काम वो कर रही है और यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट है ये हंड्रेड करोड़ है हंड्रेड करोड़ है क्लियर अब वो कंपनी यहाँ पे अगर टैक्स रेट दे रही है लेटेस से कि तीस का उसको टैक्स देना है मान लेते हैं तीस वैसे इंडिया ने तो अभी कम किया है ट्वेंटी पे आ गया है लेकिन हम सपोज करते हैं तीस परसेंट उसको इस देश में टैक्स देना है तो सौ करोड़ का तीस परसेंट हो गया तीस करोड़ कंपनी तो को ये 30 करोड़ के यहां उनको क्या कहते हैं टैक्स क्या कहते हैं टैक्स हेवन कहते हैं स्वर्ग वाला वो हैवन नहीं है हाँ लेकिन जिनको टैक्स की बचत करनी है या एक तरह से चोरी भी आप कह सकते हो उनके लिए तो हेवन के बराबर ही है तो टैक्स हेवन जो है ये होते हैं ऐसे देश जहाँ पे जो टैक्स रेट है बहुत कम है लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ केमैंस आइलैंड है ना लग्जमबर्ग हो गया नीदरलैंड्स हो गया इवन इन केसेस यू विल सी स्विट्जरलैंड जहाँ पे टैक्स रेट कम है हांगकांग है सिंगापुर है जहाँ पे ऐसे देश जहाँ पे मॉरिशस इज देयर फाइन तो जहां पे टैक्स रेट काफी कम है ग्लोबल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कुछ देशों में देखोगे आप सात आठ परसेंट है ना दस परसेंट से कम ही जा रही है पाँच परसेंट है तो ये देश ये कंपनी क्या करेगी उन टैक्स हेवन में अपना प्रॉफिट ऐसा दिखाएगी कि हमने जो है यहाँ पे एक कंपनी ये एस्टेब्लिश ऐसा किया है और यहाँ से इस देश से यहाँ पे अपना प्रॉफिट शिफ्ट करेगी कि यहाँ से हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है तो ये क्या करेगी सौ करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था ना पचास करोड़ को यहाँ पे क्या कर देगी शिफ्ट कर देगी अब मान लो इस देश के अंदर केवल दस परसेंट की टैक्स रेट है है ना तो पचास पचास करोड़ पे पांच करोड़ का टैक्स लगेगा और यहाँ पे सौ करोड़ से आपने क्या किया पचास करोड़ ही ले लिया पचास करोड़ पे तीस परसेंट का टैक्स लगा तो पंद्रह करोड़ हो गया तो पहले ये जो कंपनी है तीस करोड़ रुपए टैक्स में दे रही थी अब इसने अपना क्या किया प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया टैक्स हेवन में कम टैक्स दर वाले देश के अंदर उसकी वजह से प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ इसको टैक्स कम देना पड़ रहा है तो ये तो हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया सौ करोड़ का ये तो हजारों करोड़ के अंदर चलता है इनका तो कितना फायदा होगा आप देख सकते हो फाइन तो ये सबसे बड़ी समस्या थी और ये जो अभी आपने देखा इसको हम कहते हैं इसको क्या नाम देते हैं बेस इरोजन ये पूछा हुआ है यूपीएससी ने एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रॉफिट शिफ्टिंग वाई आई एम मैंशनिंग दिस अगेन एंड अगेन की यू पी एस सी ने पूछा है नहीं पूछा है ताकि जो नए बच्चे हैं आपको आइडिया लगे है ना वेल यू आर डूइंग अटेंडिंग दिस सेशन यू विल डेवलप योर ऑन परस्पेक्टिव कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है इस तरह से पूछा जाता है ठीक है ना क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है बिकॉज देर इज़ ए फ्लड ऑफ द मटीरियल इन द मार्केट आपको हर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट लगेगी ये भी है ये भी है बट यू शुड बी वेरी आई मीन सेलेक्टिव इन दैट परस्पेक्टिव कि क्या इम्पॉर्टेंट है किस तरह से चीज़ों को पिक करना है ना न्यूज़ पिक करना आपको आ जाएगा तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ये भी इसको कहा जाता है और ये इस तरह से जो है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ये कर रहे थे इस एग्जाम्पल में प्रॉफिट शिफ्टिंग तो समझ आ गया बेस इरोजन का क्या मतलब है बेस बेस मतलब जिस प्रॉफिट बेस पे आपका वो लग रहा था है ना उसका क्या हो गया इरोजन हो गया पहले आपका सो करोड़ पे लग रहा था ये बेस सो करोड़ था फिर आपने प्रॉफिट को शिफ्ट किया पचास करोड़ इधर और अब ये बेस का इरोजन हो तो गया कम हो गया पचास करोड़ हो गया तो इसलिए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग तो ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है ना बेसिकली आप देखोगे यूएस के अलावा मोस्टली यूरोपियन देश हैं डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं और इनको इसको सिक्सटीज में स्टार्ट किया गया और बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था कि यूएस की तरफ से वेस्टर्न यूरोप को मार्शल प्लान के अंतर्गत जो सहायता दी जा रही थी उसके डेवलपमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करना लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप में एक इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के रूप में उभर के आया क्लियर तो वो फंडिंग वाला इश्यू तो शुरू में था अभी इस तरह की कोई फंडिंग वगैरह नहीं है अपने आप में ये पॉलिसी फ्रेमवर्क और ये बनाता है तो इसने बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पे ओईसीडी ने बहुत पहले से काम कर रहा है और उसी परस्पेक्टिव से आप देख रहे हो ये जो मिनिमम टैक्स के रिगार्डिंग प्रपोजल है है ना आप देखोगे ये भी लास्ट ईयर ओईसीडी की तरफ से इस तरह से फ्रेम किया गया था क्लियर है तो अब इन्होंने जो फ्रेम किया था लास्ट ईयर उसमें यह था कि हम ग्लोबल लेवल पे क्यों नहीं है ना क्यों नहीं ग्लोबल लेवल पे एक मिनिमम टैक्स रेट एस्टेब्लिश कर दें कि भैया पंद्रह परसेंट है इससे कम कोई नहीं कर सकता तो फिर ऐसे देश जो टैक्स हेवन है मान लीजिए कहीं सात परसेंट का है कहीं पे दस परसेंट का कहीं पे नहीं के बराबर है तो उन देशों की क्या हो जाएगी हालत टाइट हो जाएगी उन देशों के लिए आप क्या कर दोगे ये मिनिमम टैक्स रेट करके ये जो न्यूज आप पढ़ रहे हो ना मिनिमम टैक्स ऑन बिग ये मिनिमम टैक्स का क्या मतलब है है मिनिमम टैक्स का मतलब है हमने कह दिया कि पंद्रह परसेंट मिनिमम है इससे कम कोई जाएगा ही नहीं तो फिर एक तरह से ये इतना इफेक्टिव जो है स्टेप है कि आप जो टैक्स हेवन है है ना उसको उन सबको आप जो इश्यूज हैं टैक्स हेवन के साथ जो इश्यूज हैं उनको आप यहाँ पे हटा रहे हो क्यों क्योंकि अगर पंद्रह परसेंट से कम कोई नहीं रख सकता फिर जो टैक्स सेवन है जिनमें नहीं के बराबर आपके ये हैं तो फिर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट वहाँ पर क्यों शिफ्ट करेगी और जब कंपनियाँ प्रॉफिट शिफ्ट करती हैं तो नुकसान किस रहा है जैसे इंडिया है है ना तो इंडिया की सरकार को वो टैक्स मिलना चाहिए था हमारे पास टैक्स आता लोगों की भलाई पे वेलफेयर पे खर्च होता लेकिन वो इन्होंने क्या किया प्रॉफिट को दूसरे टैक्स सेवन में शिफ्ट किया और वहां पे अपने टैक्स बचा लिया तो ये ये इशू गेम बहुत लंबे समय से चल रहा है इस पर बहुत लंबे समय से डिस्कशन है पिछले साल भी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी और ये इस तरह से इसकी इसकी शुरुआत से हुई क्यों ये टैक्स हेवन और ये है देखो अगर आप देखोगे तो जैसे यूएसएसआर का कॉलेप्स होता है ना सोवियत संघ नाइन्टीज के अंदर तो 1990 के बाद से जो नए देश बनना स्टार्ट हुए क्लियर नए देश बनना स्टार्ट हुए या जिस तरह का एक इकोनॉमिक ऑर्डर बन के सामने आया वहां पे देशों के सामने चैलेंज था कि कैसे हम इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें कैसे कंपनियों को हमारी तरफ अट्रैक्ट किया जाए तो उन्होंने क्या किया इंसेंटिव के रूप में कम से कम टैक्स रेट रखे उन्होंने कहा बड़ी बड़ी कंपनियों को एमएनसीज का दौर स्टार्ट हो गया था ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम मूव कर गए थे तो बड़ी बड़ी एमएनसीज को ये कहा गया देखो हमारे पास टैक्स रेट कम है आप जिस देश में बिजनेस कर रहे हो जहां से प्रॉफिट कमा रहे हो है ना कंपनियों को लगा यहां से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन अगर इस देश में अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे टैक्स रेट कम हो जाएगा और फिर ये रेस जो है ये चलती गई बॉटम बॉटम है ना कौन कितना कम करता है कौन कितना कम करता है और अल्टीमेटली सफर कौन करे सफर कौन कर रहा है सफर आम आदमी कर रहे हैं ना क्यों क्योंकि उस प्रॉफिट जो है उस पर टैक्स लगता सरकार उससे पैसा लेती उसको लोगों के वेलफेयर पे खर्च करती लेकिन अब सरकारों के पास पैसा नहीं है तो सरकार क्या कर रही है लोगों पे टैक्स बढ़ा रही है लोगों से टैक्स ले रही है ताकि वो खर्चा कर सके वेलफेयर और जो असेंशियल चीजें हैं रोटी कपड़ा मकान जैसे तो टैक्स तो लेना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों से उनको टैक्स में छूट है और लोगों से पैसा लिया जा रहा है तो ये जो है इशू ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा था क्लियर तो ये जो है एक बहुत ही वेलकम स्टेप है जहां पे यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम एग्री कर गए हैं यूरोपियन यूनियन तो एग्री करेगा क्योंकि ये हाई टैक्स माना जाता है रीजन माना जाता है तो ये तो डेफिनेटली एग्री करेगा लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो टैक्स हेवन है है ना टैक्स हेवन है वो इसके इंप्लीमेंटेशन को स्टॉल करेंगे दे आर मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री है ना इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे वो इस पर एग्री ही नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो सब कुछ इसी पे चल रहा है तो दिस इज द इशू और हालांकि ये हम देखें एक वेलकम स्टेप इसलिए है क्योंकि जो रेस टू बॉटम है कि कौन कितना टैक्स कम करता है हम कम करते हैं हम कम करते हैं वो कम होगा इनक्वालिटी जो कंट्रीज़ में बढ़ रही है उसको कम करेगा क्यों क्योंकि कंट्रीज़ में इनक्वलिटी इसलिए बढ़ रही है कि आपका जो टैक्स से पैसा आता रेवेन्यू आता वो आ ही नहीं रहा है तो फिर आप कैसे मतलब हाउ डू यू सपोज टू गो फॉर दैट वेलफेयर थिंक ये सब हैं ठीक है ये आपको ध्यान रखना है इंडिया के अंदर अभी कॉरपोरेट टैक्स पे क्या है वो मैं बता दूं इंडिया के अंदर जो कॉरपोरेट टैक्स का रेट है अभी वर्तमान में बाईस परसेंट है।, है ना नई कंपनियों के कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए पंद्रह परसेंट भी रखा है ये बाईस परसेंट अभी रिसेंटली किया गया है पहले ये तीस हुआ करता था जो कि बहुत ज्यादा है इंडिया ने देखा अगर हमारे आसपास का रीजन है वहां पे हम देखें तो उसके कंपैरिजन में हमारा हाई टैक्स जूरिस्टिक्शन है कंपनियां हमारे पास नहीं आ रही हैं या कंपनियां आती भी है तो अपना प्रॉफिट शिफ्ट करती हैं व्हाई नॉट टू रिड्यूस दिस टैक्स रेट टू मेक इंडिया ए कॉम्पिटेटिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट तो इंडिया ने बाईस किया फिर और कुछ चीज़ें लग के नेट भी ट्वेंटी पे होता है तो भी इंडिया कॉम्पिटेटिव ही रहेगा तो ये एक मेजर रिफॉर्म इंडिया ने किया है कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग ये पूरा इशू है इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है एक आते हैं ग्रीन इकोनॉमी के टॉपिक पे ग्रीन इकोनॉमी पे चर्चा है दैट इज दिस टॉपिक वी आर टेकिंग फ्रॉम द पीआईबी मिनिस्ट्री ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना वहाँ से हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसकी प्रेस ब्रीफ से ग्रीन इकोनॉमी के बारे में कुछ व्यू पॉइंट्स हैं पहले तो ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है ये समझें फिर भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है वो समझें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आपको मतलब ऐसा टॉपिक है जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे हर पेपर में आप इसको यूज़ कर सकते हो ग्रीन इकोनॉमी इज अकनॉमी दैट एम्स टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कॉट और ये क्या रहा कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एम कर रहा है है ना एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कम कर रहा है मतलब इस तरह की इकनॉमी जो एन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचा रही है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्श्योर कर रही है रिसोर्सेज का इस तरह से यूज कर रही है कि आने वाली जनरेशन को भी वो मिल जाए ऐसा नहीं कि सब कुछ हमने ले लिया खा पी लिया और फिर आने वाली जनरेशन के पास कुछ नहीं है तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है यहाँ लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका जो आइडिया है दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन इंटर जनरेशनल जस्टिस इंटर जनरेशनल जस्टिस सर इंटर जनरेशनल जस्टिस का क्या मतलब होता है हमारी जो वर्तमान जनरेशन पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी है उनके बीच में एक जस्टिस एंश्योर करना क्योंकि अगर हमने सारे रिसोर्सेज आज खत्म कर दीजिए मान लीजिए हमारे फोर फादर्स ने पहले सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए होते आज इतने जंगल वगैरह कुछ नहीं होते तो फिर हम कितना स्ट्रगल कर रहे होते क्लियर दूसरी तरह से है ये आइडिया इंटर जनरेशनल जस्टिस पे फोकस करता है और एक टर्म होती है इंट्रा जनरेशनल है ना आज की जो पीढ़ी है उसी के अंदर जस्टिस की हम बात कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो रिलेटेड टू द इंक्लूसिव ग्रोथ वो इंक्लूसिव ग्रोथ से भी रिलेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ सबका साथ सबका विकास से समझ सकते हो तो यह है इंट्रा जनरेशनल इंट्रा जनरेशनल ये थोड़ा सा इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे ना चीजें बड़ी आसान हो जाएगी यूपीएससी ने अभी दो साल पहले इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछा है बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह इंट्रा जनरेशनल जस्टिस और इस तरह की टर्म्स यूज कर ली एंड स्टूडेंट्स लाइक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है चीजों को समझना है चीजों को समझोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी तो ग्रीन इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर रही है एनवायरमेंट जो है उसके डिग्रेडेशन को रोक रही है क्लोजरे रिलेटेड टू इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स बट पॉलिटिकल एप्लीकेशन भी है डेफिनेटली है उस पर भी हम आएंगे लेकिन ग्रीन इकोनॉमी को आप देखोगे तो तीन मेजर इसके पिलर हैं एक तो ये क्या है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है तो मतलब कार्बन एमिशन कम है लो कार्बन एमिशन वाली इकोनॉमी रिन्यूएबल एनर्जी इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा रिसोर्स एफिशिएंसी पे बात की जा रही है रिसोर्स एफिशिएंसी एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करना तो डेफिनेटली इकोनॉमिक तो एस्पेक्ट भी है सोशली इंक्लूसिव भी है इंक्लूसिव भी है

है ना एकदम से हमारे पास ना पैसे का एक्सेस है ना टेक्नोलॉजी का एक्सेस है सो हियर लाइज द प्रॉब्लम जो हमेशा क्लाइमेट निगोशिएशन में भी रहती है कि हम कैसे कर दें आप हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस दीजिए तो ये एक थोड़ा सा इसमें एस्पेक्ट रहेगा क्लियर अब सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं तो ये रेडी टू राइट पॉइंट है ऐसे की आप आंसर में छाप सकते हो इनको इनको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सरकार कह रही है देखो हमने कार्बन एमिशन कम करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ये सारे टिव ये सारे प्रयास किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है यूनाइटेड नेशन द्वारा यूनाइटेड नेशन द्वारा अडॉप्ट किए गए ऐसे गोल्स ऐसे सत्रह गोल्स 2015 में यूनाइटेड नेशन ने कहा था और सभी देशों ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये सत्रह गोल हैं जिनको पूरे विश्व में सभी देशों को 2030 तक अचीव करना है क्या ये गोल्स हैं गरीबी को हटाना है है ना हंगर रिमूवल हो गया जेंडर इक्वालिटी हो गई एजुकेशन पे है गुड हेल्थ वेलबींग हो गए ऐसा करके जितने भी हमारे जो इशूज हैं है हर पे क्लाइमेट चेंज तो ये कह रहे हैं सरकार कह रही है कि देखो हम कार्बन एमिशन भी कम करेंगे हमने एफ डी आई अलाउ कर दिया हंड्रेड परसेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है वहां पे सौ प्रतिशत तक विदेशी निवेश एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ है हम इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम पे वेवर लगा रहे हैं क्योंकि और ये वेवर हम इस तरह से लगा रहे हैं दो तक तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट 2025 से पहले बन रहा है विंड का या सोलर का और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको दूसरे स्टेट में इस तरह से ट्रांसफ़र करना है तो उस पर जो चार्जेस है ना उस पर हमने छूट दे दी तो इससे क्या होगा लोगों को फ़ायदा मिलेगा कि जल्द जल्दी से 2025 से पहले ही लगाओ तो इंडिया में ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लीगेशन को हमने डिक्लेयर किया है जहाँ पे ये कंपलसरी किया जाएगा कि कम से कम इतनी रिन्यूएबल एनर्जी आपके पास होनी चाहिए जो भी डिस्काउंट्स वगैरह है या जितना परसेंट भी आप कर रहे हो तो इतनी कोयले से बना रहे हो इतनी कम से कम रिन्यूएबल एनर्जी वाली होनी चाहिए अल्ट्रा मेगा एनर्जी पार्क्स बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना है जिसके अंदर क्या है किसानों को ये आ, रूफ, आ, ये रूफ सोलर वाला दिया जा रहा है और सोलर के माध्यम से ट्वेंटी फोर सेवन आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो इरिगेशन के लिए जो पंप चलाते हैं वो रहेगा सोलर रूफटॉप स्कीम हो गई एनर्जी कॉरिडोर आपके बनाए जा रहे हैं ताकि जो रिन्यूएबल पावर है ना अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी में दिक्कत यह है कि जब गर्मियां हैं खूब सूरज की रोशनी आ रही है गर्मी लग रही है तब खूब सारी एनर्जी क्रिएट हो रही है ना खूब सारा रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट हो रहा है लेकिन अब बारिश आ गई सूरज ही नहीं दिख रहा है पांच दिन तक फिर क्या करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि बारिश में एनर्जी डिमांड एकदम से बहुत ही कम हो गई है क्लियर कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड तो बनेगी तो अब इसको कैसे मैनेज करोगे आप तो इसके लिए हमारे पास में जो ये इवैक्यूएशन फ्रेमवर्क है कि जब एनर्जी है उसको कहीं पे इस तरह से स्टोर करें या फिर जहाँ पे भी यह भेजा जाए उसके रिगार्डिंग एनर्जी कॉरिडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर हम काम कर रहे हैं प्रमोटिंग द रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स एक्सेट्रा ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने चूज किए हैं बाकी तो बहुत सारे हैं एलईडी बल्ब कैंपेन का ध्यान रख लो उजाला करके तो अभी बहुत अच्छा ये चला है है ना, हमारा जो रेलवे है ये जो है एमिशन को रिड्यूस करेगा नेट जीरो टारगेट की तरफ जा रहा है 2030 तक रेलवे नेट जीरो की तरफ जाएगा इससे अच्छा मतलब क्योंकि रेलवे में आपने देखा होगा ना वो ट्रेन आती है और बहुत सारा धुआं छोड़ती है या तो स्टेशन से पहले या स्टेशन से निकलते टाइम पे ठीक है तो ठीक है अभी वो आ, एमिशन से हैं तो आ, नेट ज़ीरो का मतलब हो गया कि जितने एमिशन ये कर रहा है रेलवे उतना ही एब्जॉर्ब भी करेगा ऐसा नहीं है कि एमिशन होगा ही नहीं सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दीज स्टेप्स मेजर स्टेप ये ध्यान रखिए दिस इज मोर देन सफिशियंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट कर ही रहे हैं तो इसके अंदर फेम स्कीम है उसको याद रख लो जिसके अंदर हम क्या हैं जो भी आपके ये कमर्शियल व्हीकल्स हैं है ना उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में प्रमोशन दे रहे हैं तो फेम टू भी अभी हमने लॉन्च किया है फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स लाए गए हैं बायोमास पैलेट्स को यूज़ किया जा रहा है कि कोयला ही नहीं जलाया जाए है ना कोयले से जो बिजली बन रही है थर्मल पावर प्लांट में बायोमास की पैलेट्स जो गोलियाँ हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए उजाला प्रोग्राम एल बल्ब वाला उसको मेंशन कर दो अब हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे ये शशि थरूर जी का आर्टिकल है अब बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बहुत रेलिवेंट आर्टिकल है क्यों है रेलिवेंट आर्टिकल क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इंडिया के फॉरन मिनिस्टर उन्होंने स्टेटमेंट दिया क्या स्टेटमेंट दिया प्लीज है लुक इंडिया कैन प्ले ए स्टेबिलाईजिंग एंड ब्रिजिंग रोल इंडिया जो है पूरे ग्लोबल उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि इंडिया विश्व के अंदर एक स्टेबलाइजिंग और ब्रिजिंग रोल प्ले कर सकता है और स्पेशली एट अ टाइम जहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर नहीं मिल रही है ना जब वर्ल्ड लाइक सिचुएशन बनी हुई है बहुत सारी चीजें हैं इकोनॉमी को लेकर इश्यूज हैं तो वहां पे इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंडिया कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुआर्ड्स डी रिस्किंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है ना एंड इन पॉलिटिकल टर्म्स इन सम वे हेल्प डी पोलराइज द वर्ल्ड डी पोलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड पोलराइजेशन का क्या मतलब है जैसे होता था ना स्कूल में कि तुम किसकी तरफ हो भैया तुम मेरी तरफ हो या मेरी तरफ हो चाहे अच्छा, मेरी तरफ हो तो ठीक है नहीं हो तो फिर अभी देखते हैं तुम्हें ये फोन टर्न ऑफ हो गया है सो आई वॉन्ट बी एबल टू सी योर कमेंट्स आई होप आई एम लाइव चलिए सो इन सम वे टू समेल डीपोलराइज द वर्ल्ड इंडिया यहां पे कंट्रीब्यूट कर सकता है क्यों कर सकता है अगर आप देखोगे रिसेंटली रशिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर क्यों ये बात कही जा रही है क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया ने साइड नहीं लिया आप चाइना को देखोगे रशिया की तरफ खड़ा हुआ है है ना पूरा यूरोप अगर वेस्टर्न यूरोप देखोगे यूके फ्रांस वो यू यूएसए की तरफ खड़ा हुआ मिलता है इंडिया कहीं पे नहीं जा रहा है यूएसए खींचना चाह रहा है कि बिल्कुल आ ही जाओ हमारे पास लेकिन वो नहीं बन रही है रशिया चाह रहा है बिल्कुल ओपनली हमें सपोर्ट करे वो भी नहीं है तो ये बहुत मेच्योर हमारी जो फॉरन पॉलिसी है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं वी डेफिनेटली नीड टू अप्रिशिएट आवर फॉरन पॉलिसी क्यों क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इस वर्ड को ध्यान रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बहुत सारे आर्टिकल आते हैं पूरे एक वर्ड पे लंबा जोड़ा आर्टिकल लिख दिया स्ट्रैजेजिक ऑटोनॉमिक मतलब कि हम अपने इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेने के अंदर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है हम किसी के दबाव में नहीं है यूएसए एस ए कह रहे नहीं हमारे तरफ आओ ऐसा होगा वैसा होगा सैक्शन लगाएंगे इंडिया ने कहा नहीं हमें एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए तो चाहिए आपको लगाने हैं सेंशक्शन तो लगा दीजिए चाइना के पास में मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारे पास नहीं होगा तो क्या आप हमारे को बचाने आओगे इस तरह से ठीक है अब Uh, तो उस समय पे ये बात हो रही थी कि यूएसए की तरफ इंडिया गया है तो ये सब चीज़ें गलत है और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे इंडिया का एक uh, जो है इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक चैनल्स कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखी है डायरेक्ट रशिया से है ना uh, हमारे वो है यू के साथ है तो हम कह रहे हैं कि हम जो है वी आर इन टच विथ की प्लेयर्स ये कौन कह रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है सारे ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा है उसी कॉन्टेक्स में इंडिया का जो रोल है आज ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में उसको हम समझ रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया वर्ल्ड पावर या सुपर पावर बनेगा या वो वो कॉन्टेक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं कि इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिजिंग रोल प्ले कर सकता है की रोल यहाँ प्ले करेगा इंडिया पहले आप देखते होंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया की चर्चा नहीं होती थी अब चीजें चेंज हो गई इंडिया के बिना बात नहीं हो रही वी आर इन की प्लेयर्स वी कैन इन्फ्लुएंस नेम वी कैन शेप द थिंकिंग वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन सम मैनर वी कैन से थिंग्स विच कैन नॉट सी तो उस कॉन्टेक्स में बात हो रही है कि आज इंडिया जो है एक मेजर प्लेयर के रूप में उभर के आया है और हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो ग्लोबल साउथ अगर हम कहें आज के कॉन्टेक्स में ग्लोबल जो साउथ है जो डेवलपिंग वर्ल्ड है या जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है वो हमारी तरफ इस आशा से देख रहे हैं

मल्टी जो प्लेटफॉर्म्स हैं यूनाइटेड नेशन है या फिर जो बड़े दूसरे प्लेटफॉर्म है शंघाई का ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स इज देयर रीजनल लेवल पे हम देखें साक को देखें बिम्सटेक को देखें तो वहां पे क्या हमारी प्रेजेंस है या नहीं है तो ये कह रहे हैं बिल्कुल है सार्क हो गया या फिर हम यूनाइटेड नेशन में हमारा रोल देखें जी सेवनटी सेवन यहाँ पे इंडिया जो है लीडिंग रोल के अंदर है जी जी सेवन सेवन ये जो ग्रुप है ग्रुप ऑफ सेवनटी सेवन ये डेवलपिंग देशों का ग्रुप है और उन सब देशों की आवाज के रूप में इंडिया को देखा जाता है इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक मैग्नेट है इंडिया विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पीपीपी पीपीपी टर्म्स टर्म्स में में आप आप देखोगे देखोगे तो इंडिया इंडिया जो है ऑलरेडी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी है ना जिन बच्चों को नहीं पता देखो ऐसा होता है ना कि एक डॉलर कितने के बराबर होगा तो अभी लगभग अस्सी रुपए के आसपास चल रहा है एक डॉलर अस्सी रुपए तो ये तो हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो इस हिसाब से अगर हम इकोनॉमी साइज जीडीपी निकालते हैं वो होता है नॉमिनल होगा ये पी डॉलर अस्सी रुपए नहीं रखेंगे हम देखेंगे कि यूएसए में किसी प्रोडक्ट एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट जैसे मान लो एक मैकडोनल्ड का बर्गर है उसकी क्या प्राइस है लेटर से एक डॉलर है और इंडिया में वो मैकडोनल्ड का बर्गर कितने रुपए का मिल रहा है मान लो पचास रुपए का मिल रहा है तो फिर पीपीपी पे करेंसी हो जाएगी एक डॉलर पचास रुपए अब उस बर्गर की जगह बास्केट ऑफ गुड्स रख देते हैं जिसमें कपड़े हैं खाने पीने की चीजें वो तो पीपीपी के टर्म में हम ऑलरेडी थर्ड पे हैं नॉमिनल में भी टॉप फाइव के अंदर है इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर है यूएन में इन्फ्लुएंस है रीजनल इन्फ्लुएंस हमारा है डेवलपिंग वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस है डेवलप्ड पावर से हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्या है अपने ग्लोबल एक्सचेंज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अपना जो फ्यूचर रोल है या उसकी डायरेक्शन देखते हैं हम कोई वर्ल्ड लीडर या इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं हम एक बहुत ही फेयर है ना रोल की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसी कॉन्टेक्स में ये कह रहे हैं कि देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो हम किसी की ऐसा साइड भी नहीं ले सकते ठीक है कि हम नहीं अब इसकी साइड लेंगे वो लेंगे तो किसी के दबाव में आके तो हम काम कर नहीं सकते कर भी नहीं रहे और यहाँ पे नॉन अलाइंड होना भी ज़रूरी है क्लियर और नॉन अलाइंड होना ज़रूरी भी है और नहीं भी है क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे तो चीज़ें चेंज हो गई है बिटवीन टू सुपर पावर्स मैन वन ऑफ दम सिट ऑन आवर बॉर्डर एंड निबल्स एट आवर टेरिटरी अगर कोई एक मेजर सुपर पावर इंडिया जैसे अगर हम बात करें लेटस से कि चाइना इवॉल्विंग पावर है आज एक मेजर पावर के रूप में एक्नोलेज किया जाता है तो अगर इस तरह से मेजर किसी भी पावर के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है तो ऐसा नहीं है ना कि हम साइड नहीं लेंगे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वो साइड भी लेंगे मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम अपना रोल यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है तो ये इसमें पूरा बात था किससे लिंक करोगे कि इंडिया का रोल कैसे इवॉल्व हो रहा है है ना ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर क्या उससे रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये चर्चा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी जो है ये बात चली कि इंडिया मध्यस्थता कर सकता है और ये वर्ल्ड के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं बड़े बड़े उनमें ये चर्चा थी कि इंडिया यहाँ पे एक जो है मीडिएटर के रूप में यू और रशिया के बीच में ताकि इस वॉर को हम खत्म कर सकें इंडिया यहाँ पर रोल प्ले कर सके क्योंकि यू भी विश्वास कर रहा है इंडिया पर और रशिया भी यहाँ पर इंडिया पर फेत करता है तो उस कॉन्टेक्स में तो ये कोई छोटी चीज नहीं है बहुत बड़ी चीज है प्रॉब्लम्स बिट्स पे आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं देखो ये यूपीएससी ने आई है प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन पूछा है क्या बात हो रही है बनाऊ द तो वो फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टर्म ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग को क्या डिस्क्राइब करता है इसको आंसर करिए तो अभी हम पढ़ के आए हैं अभी हमने देखा था ग्रीन वॉशिंग का रेफरेंस आया था और ये क्वेश्चन हमने अभी भी लिया था जब यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस पर कंसर्न रखे गए थे तो ग्रीन वॉशिंग किसे कहेंगे कन्वेंगे फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली बट इन रियलिटी दे आर नॉट सो दिस ए इज़ द राइट आंसर इस तरह से यू क्वेश्चन पूछता है ना आपको ये पता होना चाहिए आगे हम आएँ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओ ही के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अभी हमने मिनिमम जो टैक्स है उसके बारे में चर्चा की थी ग्लोबल कॉन्टेक्स में फिर तो क्या इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है थर्टी एट इसके मेम्बर्स हैं फॉरम डिस्क्राइब कमिटेड टू द डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट या मार्केट इकनॉमी मार्केट इकोनॉमी तो ये है डेफिनेटली सही है ना ओवी सी डी इज फंडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन फ्राम द यू एस ये गलत है शुरू में मार्शल प्लान के रिगार्डिंग था लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है किसको यहाँ से फंड है वगैरह तो थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट कर देते हो केवल केवल थर्ड को एलिमिनेट कर देते हो तो भी आंसर मिल जाता है क्यों क्यों ये ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे अब थर्टी सेवन होगा या थर्टी एट होगा पहले थर्टी सेवन था अब थर्टी एट हो गया हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाए तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ है ना कंट्रीज तो याद नहीं रख सकते कुछ के याद रखोगे जैसे जी सेवन है जी ट्वेंटी वो तो याद रखने ही हैं बिमस्टैक है ब्रिक्स है ये तो याद रखने लेकिन हर इसमें ऐसा नहीं कर सकते ना तो यहाँ पर क्या होगा आपको ऑप्शन पर देखना होगा और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा तो एलिमिनेशन से आपका आंसर बन रहा है यू हैव दिस डी इज द राइट आंसर क्यों क्योंकि थर्ड ऑप्शन गलत है तो तीन में थर्ड ऑप्शन है ये ओई के रिगार्डिंग है ये आपकी कंट्रीज हैं इस तरीके से मार्शेंट प्लान था कि जो सिक्सटीज uh, uh, के अंदर या वर्ल्ड वॉर टू के बाद में आप देखोगे कि यूएसए uh, ने कहा कि वेस्टर्न यूरोप का री कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए फंडिंग है तो उस कॉन्टेक्ट में था लेकिन अभी ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप हो चुका है वन मोर क्वेश्चन वी हैव प्लानिंग कमीशन पे है तो व्हाट शुड बी द आंसर प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ स्टेट्यूटरी बॉडी तो ना तो प्लानिंग कमीशन स्टेट्यूटरी बॉडी था वैधानिक निकाय था किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बना है ना और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था तो ये यही तो कह रहा है नॉट तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा है ना फिनेंस मिनिस्टर वाज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन क्या फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरमैन हुआ करते थे तो प्राइम मिनिस्टर होते थे चेयरमैन तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो पहला स्टेटमेंट सही है तो आंसर आपका ए बन जाएगा क्लियर तो जिन बच्चों ने ए आंसर किया है ना वो सही है ए आंसर राइट सो दिस इज ऑल ये आपका मेंस का क्वेश्चन है इसको लिख लेना ट्राई टू राइट फ्यू वर्ड्स है ना ऐसा मत सोचो कि अब अब करेंगे अब करेंगे उसको थोड़ा सा लिखने का कोशिश तो करिए है ना जितना भी आप लिख सकते हैं एटलीस्ट क्योंकि एक लैंग्वेज डेवलप आपकी होगी है ना एक्सप्लेन द इंडियाज़ रोल इन शेपिंग द इमर्जिंग ग्लोबल नेटवर्क अगर एन पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है एन अगर बेसिक बेसिक वाली कवर है इंपॉर्टेंट तो फिर तो आपको राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए एक्सप्लेन द इंडियाज़ रोल इन शेपिंग द emerging ग्लोबल नेटवर्क विच वुड डिफाइन इंटरनेशनल relations एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ठीक है इंडिया के रोल को बताना है किस तरह से तो कोई भी रिसेंट से स्टार्ट कर सकते हो रशिया यूक्रेन का कॉन्टेक्ट स्टार्ट कर सकते हो या जहाँ से भी आपको सही लगे ऐसा नहीं है कि एक ही इंट्रोडक्शन सही होगा काफ़ी सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं तो टूडे आईम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स लेट मी जस्ट लुक दिस ठीक है तो सेशन को कंक्लूड करेंगे सेशन जो है आपका डेली बेसिस पे ये क्लास होती है ट्राई टू अटेंड दिस ऑन डेली बेसिस क्लियर और सेशन का पीडीएफ इवनिंग तक आपका यहाँ पे अपडेट हो जाता है और अभी दस बजे एक क्लास होगी आपकी उसका लिंक भी यहीं पे शेयर होगा दस बजे जो क्लास है इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह सर की बुक को हम कवर कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं काफ़ी बल बल्कि बुक है लेकिन जो काम का है वो हम पढ़ लें उसमें है ना तो एक अच्छा व्यू पॉइंट हमें दे देती है पूरा बेस क्लियर कर देती है सो दिस इज ऑल इसके अलावा अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं जो बच्चे घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बहुत सुनहरा आपके पास मौका है यू हैव दिस ऑप्शन टू गेट दिस ह्यूज डिस्काउंट्स यहाँ पे तीन महीने तक आपको ऑफ मिल रहा है एटीन मंथ के सब्सक्रिप्शन पे और ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं उसको यूज उसको अवेल करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना है आर बी एल आई वी ई कैन यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट द पर्सनल गाइडेंस एज वेल सो मेक श्योर यू आर यूजिंग द आर बी लाइव कोड आइकॉनिक के कुछ एडेड एडवांटेज लाइव मेंटरशिप वगैरह इसके लिए जा सकते हो नए बैच बाईस दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है आई आर एम एस सर्विस का बैच ऑलरेडी स्टार्ट है अट्ठारह तारीख से यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एज वेल केवल सी सेट के लिए जा रहे हो वो ऑप्शन भी है जीरो परसेंट ई एम आई ऑप्शन मिलता है केवल टेस्ट सीरीज भी आपको तो दी जा रही है और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग डेली डाउट सॉल्विंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल अनलिमिटेड एक्सेस टू क्लासेस वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं लेकिन कुछ बच्चे हैं कि केवल सर सी सैड चाहिए या केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो ऑप्शन भी मिल रहे हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे हियर ऑल द वेरी बेस्ट ओके हैव अ ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल